हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। तो आज जो मैं वीडियो लेके आया हूँ उसमें मैं बात करने वाला हूँ कि अगर आप एलडी कॉलेज या फिर गुजरात की कोई भी गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज है जिसमें सभी जीसीज विश्वकर्मा गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज आ जाती है, तो उसमें से आप पढ़ाई करोगे तो आपका एक्सपेंस कितना रहेगा और आपको कितना यहाँ अभी आपको मान के चलना होगा कि आपको पढ़ाई के दरमियान इतने पैसों की जरूरत रहने वाली है। तो ये सब मैं आज के वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। देखिए, अब यहाँ पे 4 साल की यहाँ पे मैं कॉस्ट बताना चाहता हूँ कि देखिए ये किस तरह से मेजरमेंट की जाती है। तो देखिए, यहाँ पे अगर आप काफी सोच विचार करके काफी कम पैसा स्पेंड करोगे तो फिर आपके 4 साल सिर्फ 1 लाख के अंदर ही आ जाता है। बट यहाँ पे आप लैपटॉप या फिर टू व्हीलर जैसे कि एक्टिवा हो गया या फिर कोई बाइक हो गया ट्रांसपोर्टेशन के लिए, अगर ये यहाँ पे आप ऐड करोगे तो आपकी 4 साल की यहाँ पे 1 लाख से लेके 2,30,000 में आपका यहाँ पे चारों साल का कॉस्ट कवर हो जाएगा। मैं ये स्लाइड फिर से एक्सप्लेन कर दूँ कि काफी कम यहाँ पे लेके चले तो आपका इंजीनियरिंग का 4 साल का कॉस्ट 1 लाख से भी अंदर हो जाएगा, और यहाँ पे आप थोड़ी सी एक्सपेंसिव चीज ऐड कर दे तो फिर वो होगा 1,50,000 से लेके 2,30,000 के बीच में। तो देखिए, ये यहाँ पे मैंने किस तरह से कैलकुलेशन किया है, क्या कुछ मैंने यहाँ पे ऐड किया है, वो सारे यहाँ पे डालने वाले। देखिए, यहाँ पे मेन कोर्स के अंदर मैं इस स्लाइड में आपको ये बताना चाहता हूँ कि आपको ज्यादा रुपए कहाँ देने होंगे, काफी जगह पे कहाँ सबसे ज्यादा आपको रुपए स्पेंड करने होंगे। देखिए, सबसे पहले आपको फीस पे करनी होगी, उसके बाद हॉस्टल की फीस आएगी, उसके बाद हर सेमेस्टर में जब भी एग्जाम होगी उससे पहले आपको एग्जाम फीस पे करनी होगी। अब आप यहाँ पे ये पूछोगे कि कॉलेज फी और एग्जाम फी क्या दोनों डिफरेंस रहेगी, तो देखिए इसका जवाब है यस। आपको कॉलेज फी आपको किस लिए पे कर रहे हो कि आपको सेमेस्टर की स्टडी के लिए आप कॉलेज फी पे कर रहे हो, बट एट दी एंड सेमेस्टर एग्जाम होगी वो कौन कंडक्ट कराएगा, वो आपकी यूनिवर्सिटी कंडक्ट करवाएगी, वो होगी चाहे या फिर यहाँ पे आप GTU ले लो, निर्मा यूनिवर्सिटी ले लो, DAISSC ले लो, तो ये यूनिवर्सिटी है वो यहाँ पे आपकी एग्जाम कंडक्ट करवाती है। तो आपको यहाँ पे कॉलेज फी के अलावा यूनिवर्सिटी को यहाँ पे पेमेंट करना होगा आपकी एग्जाम फी के लिए, और यहाँ पे एवरेज एक एग्जाम की फी होती है 800 से लेके 1,200 तक, यानी कि 800 से लेके 1,200 रुपए होता है एक सेमेस्टर की एग्जाम फीस। तो ऐसा आप 8 बार एग्जाम की फीस देने वाले हो, 8 बार ऐसी एग्जाम कंडक्ट होगी, तो आपको यहाँ पे एग्जाम फीस भी कंडक्ट करनी होगी, यहाँ पे इंक्लूड करनी होगी। इसके बाद यहाँ पे आपको ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट ऐड करनी होगी, यहाँ पे आप लैपटॉप लोगे तो वो ऐड करना होगा, उसके अलावा यहाँ पे आपको बुक्स की भी कॉस्ट ऐड करनी होगी। अब ऐसा तो होगा नहीं कि आपको एक सेमेस्टर में 6 से 7 सब्जेक्ट आएंगे तो आप 6 सभी की सभी आपकी अपनी जो लाइब्रेरी होगी वहां से लोगे, आपको थोड़ी सी बुक तो परचेस करनी होगी। अब इंजीनियरिंग में बुक्स की अभी प्राइस भी इतनी ज्यादा बढ़ गई है, मान लीजिए कि 500 600 700 से तो बुक्स की प्राइस सिर्फ स्टार्ट होती है, अगर यहाँ पे मैक्सिमम बात करें तो 1200 1500 और 2-3 हजार तक की बुक यहाँ पे आपको मिलेगी। इसके अलावा आपको स्टडी मटेरियल चाहिए होगा तो उसमें भी आपको कॉस्ट लगेगा, यानी कि स्टडी मटेरियल के अंदर भी अभी आपको काफी ज्यादा पैसा पे करना होगा। इट मीन्स टू आप यहाँ पे मान लीजिए कि फर्स्ट ईयर में आता है मैकेनिकल बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग और इंजीनियरिंग ड्रॉइंग, तो इसके लिए आपको काफी सारे मटेरियल की जरूरत पड़ेगी, यानी कि रूलर स्केल होगी, ड्राइंग शीट होगा, और इसके अलावा आपको जो भी इसमें इक्विपमेंट चाहिए होगा उसके लिए स्पेशल आपको स्केल परचेस करनी होगी, पेंसिल, इरेजर, ये सब कुछ आपको इंजीनियरिंग ड्राइंग के लिए चाहिए होगा, तो इसको बोलते हैं स्टडी मटेरियल, ठीक है। इसके अलावा स्टेशनरी में भी आपका काफी ज्यादा कॉस्ट होने वाला है, यानी कि प्रोजेक्ट जब भी आप सेमेस्टर के एंड में होंगे तब आपको सबमिट करना होगा आपके सारे असाइनमेंट्स और प्रोजेक्ट्स और रिपोर्ट और ये सब कुछ, आपको जेरोक्स के भी काफी ज्यादा यहाँ पे पैसे लगेंगे, और इसके अलावा आप को जब भी कोई प्रोजेक्ट हो तो उसके लिए एक हार्ड बाइंडिंग या फिर स्पाइरल करवाना होता है। अब हार्ड बाइंडिंग का तो आपको ज्यादातर को पता नहीं होगा, बट यहाँ पे स्पाइरल बता दूं कि स्पाइरल क्या होता है कि जब भी वो एक स्प्रिंग जैसा डाल के देते हैं, पता है, तो उसको बोलते हैं स्पाइरल। तो ऐसा आपको स्पाइरल भी हर एक सब्जेक्ट के लिए करना होगा, और इसके बाद हार्ड बाइंडिंग में तो आपको 800 से लेके 1000 रुपए पे करने होंगे। अब हार्ड बाइंडिंग कैसे बोलते हैं कि जब भी आप फाइनल सेमेस्टर में होंगे तब यहाँ पे आप इंटर्नशिप करोगे तो उसको आपको हार्ड बाइंडिंग करना होगा, यानी कि पहले तो सभी पेजेस की जेरोक्स निकालनी होगी और उसके बाद उसको एक डायरी जैसा बना के आपको सबमिट करना होगा। तो ये सारी स्टेशनरी की कॉस्ट। अब इसके बाद लास्ट में आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरह की लाइफस्टाइल में पैसा दोगे, यानी कि लाइफस्टाइल में अपना अपना पर्सनल नजरिया होता है, पर्सनल चॉइस होती है कि आप कितने रुपए लाइफस्टाइल में आप यहाँ पे स्पेंड करोगे।
सबसे बड़ी उसमें आता है कि क्लोथ्स, यानी कि आप किस तरह से कपड़े शॉपिंग करोगे, तो ये भी आपको जरूर से इंक्लूड करना होगा। अब यहाँ पे आप ब्रांडेड क्लोथ्स लेने जाओगे तो उसकी कॉस्ट काफी ज्यादा बढ़ जाएगी, अगर यहाँ पे लोकल लोगे तो उसकी कॉस्ट काफी कम हो जाएगी। उसके बाद आप शॉपिंग करोगे और उसके बाद खाने पे कितना ज्यादा पैसे आप स्पेंड करोगे। अब देखिए ऐसा तो होगा नहीं कि आप हॉस्टल में होंगे तो आप पूरा मतलब 365 दिन हॉस्टल का तो खाना खाओगे नहीं, आप काफी टाइम मैकडोनल्ड्स जाओगे, डोमिनोज में जाओगे, लामिनारोज में जाओगे, लापिनोज में जाओगे, तो ऐसे करके आप काफी सारे रेस्टोरेंट विजिट करोगे तो वहां पे भी आपको पैसे देने होंगे। उसके अलावा आप मूवीज में जाओगे, गेम शोज में जाओगे, और उसके अलावा तो आप काफी सारे जगह पे, अब मान लीजिए कि नवरात्रि आ गए तो आपकी कॉलेज जो डांडिया कंडक्ट करवाती है तो उसके पास लेने होंगे, पास की फीस होगी 1000, तो ऐसा तो काफी सारे कॉस्ट आने वाले हैं। तो ये सब अगर हम इंक्लूड करने जाओ तो ये लिस्ट काफी ज्यादा बढ़ जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आपको सिंपली आप पैसे के मामले में बता दूं कि देखिए यहाँ पे गवर्नमेंट की कोई भी कॉलेज की यहाँ पे मान के चलिए 10,000, अब यहाँ पे कोई भी एक परफेक्ट फिगर नहीं है, ये सारे मैंने लमसम लिए है, यानी कि अंदाजे से लिए है, ठीक है। अब यहाँ पे एक्चुअल कॉस्ट हो रही है मान लीजिए कि 9,300 हो रही है, तो मैंने यहाँ पे 10,000 ही इंक्लूड किया, ठीक है। अब यहाँ पे आप मान लीजिए कि एलडी के हॉस्टल में रहोगे तो 4 साल की फीस आपकी यहाँ पे रहेगी 15,000, अब यहाँ पे आप प्राइवेट हॉस्टल या फिर पीजी में रहने जाओगे तो 1 साल की फीस यहाँ पे होगी 60,000। अब यहाँ पे प्राइवेट हॉस्टल काफी यहाँ पे मैंने यूनिक लिया है, मतलब एवरेज फीस लिया है, ठीक है। प्राइवेट हॉस्टल स्टार्ट हो जाती है 30-40,000 से और 1,00,000-1,20,000 1 साल की फीस यहाँ पे रहती है। अगर यहाँ पे हम पीजी की बात करें तो एवरेज 1 महीने का निकलता है 7,000, अब यहाँ पे 4-5,000 में भी आपको पीजी मिलेगा और 10-12,000 एक महीने के भी पीजी मिलेगा, ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप कौन से लेवल के पीजी में रहना चाहोगे, ठीक है। अब उसके बाद मैंने जैसे बोला कि एग्जाम फीस इंक्लूड करनी होगी तो उसके लिए मैंने 4 साल का यहाँ पे एक्सपेंस लिया है 8,000 ही लिया, ठीक है। अब उसके बाद आप एक बार लैपटॉप परचेस करोगे तो मैंने यहाँ पे इंक्लूड किया 60,000। अब यहाँ पे आप मैकेनिकल सिविल इलेक्ट्रिकल में हो तो फिर यहाँ पे आप 30,000 से 40,000 का लैपटॉप ले सकते हो, अगर यहाँ पे आप कंप्यूटर में हो तो आप 1,00,000 तक के भी लैपटॉप ले सकते हो, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे कवर किया है एवरेज लैपटॉप का वैल्यू 60,000, ठीक है। उसके बाद मैंने कौन सा इंक्लूड किया है, ट्रांसपोर्टेशन का। अब आप अपने घर पीजी हॉस्टल से आप अपनी कॉलेज तो जाओगे तो वहाँ पे आप ओला उबर जैसे कैब बुक करोगे, ऑटो बुक करोगे, आप ट्रांसपोर्टेशन मीडियम लोगे, सिटी बस में ट्रैवल करोगे, तो ये भी दिन का मान लीजिए कि 10 रुपये होते हैं, 10 रुपये आने के, 10 रुपये जाने के, तो दिन के हो गए 20 रुपये। आप हफ्ते में 6 बार कॉलेज जाओगे तो 6 × 20 ये हो गया 120 एक महीने का, अब यहाँ पे सॉरी एक वीक का हो गया 120, अब यहाँ पे आप पूरे एक महीने का कवर करोगे तो 30 × 120 कितना होता है समथिंग, यहाँ पे आप इंक्लूड कर दीजिए अराउंड होगा 1000 आप कवर कर लीजिए, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे 4 साल का ट्रांसपोर्टेशन का 5000 कवर किया है, ये आप अपने हिसाब से मैथ्स कर लेना, मैं अभी मैथ्स में मतलब मैंने यहाँ पे थोड़ा सा रॉन्ग मैथ्स कैलकुलेट किया है, ये आप अपने हिसाब से कर लेना, ठीक है। उसके बाद आप बुक्स के ऊपर स्पेंड करोगे 10,000 फोर ईयर के लिए, उसमें स्टडी मटेरियल भी आ जाता है, मैंने स्टेशनरी का बोला था तो आपको 4 साल की स्टेशनरी का 5000 काउंट करना होगा, और यहाँ पे मैंने एवरेज 12,000 लाइफस्टाइल का कवर किया है, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे पहले बोला था कि अब यहाँ पे आप ब्रांडेड लेने जाओगे तो ये खर्चा काफी ज्यादा बढ़ जाएगा, अगर आप लोकल लेने जाओगे तो ये खर्चा काफी कम हो जाएगा, ठीक है। ये सारी एवरेज वैल्यू यहाँ पे मैंने लिखी है। अब बात करते हैं सीधे ग्रांड टोटल के ऊपर। देखिए अगर यहाँ पे आप एलडी की हॉस्टल में रुकोगे तो फिर आपका कॉस्ट होगा 1,25,000। अब यहाँ पे आप प्राइवेट हॉस्टल में रुकोगे कि जहाँ पे 1 साल की फीस रहेगी 60,000, तो ऐसे 4 साल की फीस हो जाएगी 2,40,000, तो इसमें आपको पूरा 4 साल का कॉस्ट लगेगा 3,55,000। अब यहाँ पे कास्ट हॉस्टल यानी कि क्या लिखा है तो देखिए एलडी के नजदीक काफी सारे पटेल हॉस्टल है, यानी कि जो पटेल है होते हो उन स्टूडेंट्स के लिए उन लोगों की एक पूरी सरदार पटेल हॉस्टल है, ठीक है। अब यहाँ पे प्रजापति समाज की हॉस्टल होती है, तो ऐसे कास्ट हॉस्टल में आप रुकोगे तो यहाँ पे एवरेज कॉस्ट मैंने लिया है 25,000 एक साल का, तो 4 साल का हो जाएगा यहाँ पे 1,00,000, तो फिर यहाँ पे आपकी इंजीनियरिंग में पढ़ाई में होगी 1,25,000, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने सभी जगह पे लैपटॉप इंक्लूड किया है, ठीक है। अब ये ऊपर नीचे हो सकता है, मैंने ऑलवेज बोला है यहाँ पे मैंने लमसम एवरेज वैल्यू लिया है, अब ये यहाँ पे 100% ऊपर नीचे होने के चांसेस है, ठीक है। यहाँ पे मैंने सिर्फ आपको अंदाजा दिया है कि ये सारे कॉस्ट आपको होने वाले हैं, ठीक है। अब थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस। अब इसके बाद मैंने जो मेरी 4 साल के दौरान मैंने कितने रुपए स्पेंड किए एलडी में, वो भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ, तो वो वीडियो भी एक बार जरूर से चेक करना। थैंक यू वेरी मच।